पापा को ईमानदारी की सजा मिली है। बाकी ईमानदारी के लिए हमेशा पुरस्कार मिले थे, इस बार सजा मिली है उस ईमानदार, बल्कि उनके ऊपर इतने सारे केस डाल दिए, 4-5 धाराएं भी लगाई थी, 120B 182 बोल रहे हैं, खुद जाति सर्टिफिकेट बना हुआ है, कोई भी फॉर्म भरती है हर जगह लिखती है मैं चमार हूँ। मेरे साथ में परिवार के सदस्य हैं जो उनके बेटे की मिसिज भी है और परिवार की महिलाएं भी हैं, तो नमस्कार जी। जी सर नमस्ते। जो घटना घटी है उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? सर यही कहना चाहेंगे, हमारे पापा को ईमानदारी की सजा मिली है। बाकी ईमानदारी के लिए हमेशा पुरस्कार मिले थे, इस बार सजा मिली है उस ईमानदारी के। पापा को कितने पुरस्कार मिले थे? सर 37 साल की जॉब में लगभग हर साल उनको मिले हैं, हर साल 37 के 37, जिसको हर साल ईमानदारी के लिए ड्यूटी के लिए कि ये भाई पंचुअल है टाइम पे, कभी 5 मिनट लेट नहीं गए, 5 मिनट पहले नहीं निकले वहां से, और कभी किसी के लिए कोई भी वो नहीं किया, हर ड्यूटी की है उन्होंने, उनको जो ड्यूटी दी गई वो की उन्होंने, खुद के अलावा कभी किसी को दिक्कत हुई डिपार्टमेंट में उनकी भी ड्यूटी की, फिर भी उनके ऊपर ये लगा रहे हैं कि भाई ये किसी से पैसे लेते थे, डिपार्टमेंटल बिठाई गई है अभी पेंशन के टाइम पे, पेंशन से 13-14 दिन पहले डिपार्टमेंटल बिठा दी उनके ऊपर कि भाई ये पैसे लेते, यानी कि पेंशन बिल्कुल नजदीक लग रही थी जी, पेंशन को भी रोकना चाहते थे वो। अभी कहाँ पे कार्य करते हैं? अभी उनकी हिसार में ड्यूटी आई हुई थी, पिछले काफी साल से हिसार हैं, जैसे हमारी शादी अभी 6 साल पहले ही हुई थी, 6 साल से उनकी हिसार में ही ड्यूटी है, हम देख रहे हैं 6 साल से, 6 साल से मैंने देखा है 5 मिनट कभी आगे पीछे नहीं हुआ, तो उन्होंने हमें हमेशा अपनी ड्यूटी सही की, ईमानदारी से की, अगर बेईमानी करते तो उनको इस बात की चिंता नहीं होती कि अनार 150 रुपये किलो है, डंडा दिखाते और 2 किलो उठा के लाते, कभी किसी चीज़ का रेट नहीं पूछते वो, ईमानदारी दिखाई फिर भी उसकी सजा मिली, फिर भी उनके ऊपर डिपार्टमेंटल बिठाई, झूठे झूठे एलिगेशंस लगाए कि भाई ये पहले रेड मारने से पहले भी उनको भगा देता है, ये वो कर देता है, उन्होंने बहुत सारे झूठे झूठे इल्जाम लगाए, मैंने हर पेपर पढ़ा है जी, हर पेपर दिखाया है मुझे जी। रघुवीर जी ने इतना बड़ा कदम उठाया, उससे पहले कभी घर पे कोई परेशानी या इस प्रकार की बात आपके सामने या परिवार में इन्होंने साझा की हो? घर में कोई परेशानी नहीं थी, उनको सिर्फ ये था, पिछली 14 तारीख से तो वो एक्शन में आ गए थे अपने, पिछली 14 तारीख को भी उन्होंने, जब पापा ने वो एक नरवाना से एप्लीकेशन डलवाई थी कि भाई आपके डिपार्टमेंट में ये हो रहा है, वो अभी यहीं पे खड़े, उनके पास था भी वो पेपर, आपको दिखा रहे थे, दिखा, दिखा, उन्होंने दिखाए सब पेपर दिखाए जी, वो डाली थी, वो डलवाई थी उन्होंने, जैसे मेरे मौसी है, मेरी सास की बहन, उनका लड़का नरवाना में जॉब करता है, उससे कहा कि बेटा तू डाल के आ जा, उसने डाल दिया, तो उन्होंने अम्बाला से फ़ोन कर करके पूछा भाई ये बाइक चोरी की है तेरी, ये है वो है, उन्होंने बहुत सारे कहे कि आप बताओ कहाँ, फिर उसको उठा लिया, उससे ब्लैंक पेपर पे भी साइन करवाए, ब्लैंक पेपर पे साइन लिए उसके, बता सकता है वो आपको। पापा ने उच्च अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं की? उच्च अधिकारियों सबको भेजी गई है एप्लीकेशन, आप देख लो उनको, मैंने हर एक डॉक्यूमेंट की जेरोक्स दी हुई है सबको, मेरे पास ओरिजिनल भी है, मैं सब दिखा सकती हूँ, पर उनको कुछ भी नहीं सुनवाई हुई उनकी, बल्कि उनके ऊपर इतने सारे केस डाल दिए, 4-5 धाराएं भी लगाई थी, 120B 182 बोल रहे हैं, बहुत सारी धाराएं उसमें 4-5 लिखी हुई है, मेरे पास वो भी पड़े हैं सारे, और उसके बाद क्या कहा कि इन्होंने हमारे लिए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आप रिपोर्ट्स में देख सकते हो जातिवाद का नाम आया है हर जगह, उन्होंने चलो लिखा एक जगह लिखा हुआ है भाई चमार जाति से ताल्लुक रखते हैं, इसमें उनको मुँह पे बोला है, आप हो मुँह पे बोला है क्या, आप नहीं लिखोगे हम लिखेंगे, चलो आप भी नहीं लिखते, उन्होंने खुद जाति सर्टिफिकेट बना हुआ है, कोई भी फॉर्म भरती है हर जगह लिखती है मैं चमार हूँ, क्यों उस टाइम लगाते हुए उनको शर्म नहीं आई, एक जगह लिख दिया भाई ये बंदे जो भ्रष्टाचार में लिपते हैं ये एक जाति से संबंध रखते हैं और इनका पूरा गैंग बना हुआ है, ये जो 6 नाम है संगीता कालिया, DSP गुरदयाल, जोगेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र और कश्मीरा, रीडर कश्मीरा, ये तो मेन है, इनका ग्रुप तो और भी बड़ा है, और भी बड़ा ग्रुप है जी। इनका पूरा गिरोह चलता है, सिर्फ हिसार में नहीं, इनका सिरसा हर जगह चलता है, पापा ने नाम लिखे हुए हैं कि भाई इन इन जगह पे इनका गिरोह चलता है, आवाज़ क्या उठाई कि भाई रिश्वत मत लो, किसी गरीब से पैसे मत लो,
इन्होंने उसी बात पे कर लिया। अभी जैसे पिछले साल जून जुलाई की बात है, राखी के टाइम, राखी वाले दिन तो मेरे पापा चंडीगढ़ चले ही गए थे पोस्टिंग के लिए, उससे पहले सवाल उठाए, उन्होंने खुन्नस ले ली, डिपार्टमेंटल बिठाई, ट्रांसफर चंडीगढ़ कर दिया। वो पापा ने बात बूत की कि भाई मैं इस एज में हूँ और मेरा इतनी दूर रहना ठीक नहीं है, वैसे भी मेरे रिटायरमेंट के 6 महीने ही बचे हैं बस सिर्फ, क्योंकि 12 अगस्त को गए हैं पापा वहाँ, 31 जनवरी को रिटायरमेंट होनी थी, पर किसी सुनी उन्होंने, चलो किसी ने सुनी कोई भला, उन्होंने कहा ठीक है चलो भाई आप यहाँ जाओ। यहाँ आने के बाद 4-5 दिन ड्यूटी गए तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया ही है। उसके बाद पापा ने छुट्टी ले ली कि मैं 30 जनवरी को ही ड्यूटी पर जाऊँगा, तो छुट्टी में ये बताओ वो क्या कर सकते थे, वो तो ट्रांसफर के टाइम उनका मुद्दा डिपार्टमेंटल वाला हो गया होगा जी। तो फिर से जनवरी में डिपार्टमेंटल बिठाने के लिए उनको मुद्दा क्या था, उन्होंने फिर से यही लगाया कि भाई रेड मारते हैं ये बता देता आगे। अगर जो बंदा 4 महीने से छुट्टी पे है उसको क्या पता तुम रेड मारने कहाँ जाते हो क्या नहीं पता है उसको, और ये रिकॉर्ड दिखाओ ना आपने 4 महीने में कहाँ रेड मारी है जी जी। बताओ आप, जैसे वो बोल रहे हैं कि इन्होंने जाति सूचक शब्द लिखा है, SC ST लगा दी, पापा मानते हैं चलो मैंने एक जगह लिख दिया भाई इस जाति से ताल्लुक रखते हैं, कह रहे हैं मैंने मुझे लिखना नहीं चाहिए था, मेरी गलती है, जाति नहीं बतानी चाहिए थी, मेरे से यही बात की बिटिया, मेरी सिर्फ ये गलती थी मैंने ये लिखा। आप बताओगे नहीं किसी की जाति, बताते नहीं हो क्या आप, आप कहीं नहीं लिखते हो, आप ऐसे ऐसे न्यूज़ में पेपर्स में लिखते हो भाई इस जाति से ताल्लुक ऐसे, तो उन्होंने भी पापा के ऊपर जो डिपार्टमेंटल के लिए नोटिस आया वो उसमें लिखा हुआ है कि सासी जाति से संबंध रखते, फिर तो एक केस उनके ऊपर भी बनता है जी। जिसने वो रिपोर्ट बनाई है उसके ऊपर भी बनता है जी। उसके ऊपर क्यों नहीं लगा रहे, क्यों, क्योंकि वो SP कालिया की मंडली से, क्यों अपनी मंडली को बचाती रहेगी और बाकी सब मरते रहो। अरे एक सड़क पे कुत्ता मर जाता है, 4 गाली दे के जाते हैं, पता नहीं कौन कमीना था कुचल के चला गया। मेरे पापा 50 घंटे से पड़े, इतने टुकड़े हो रहे थे, इतने देख के आई हूँ जाके, उनकी कोई कदर नहीं है, क्यों। संजना जी आप क्या कहना चाहोगे, एक ईमानदार व्यक्ति ने अपनी जान गंवानी पड़ा है, मतलब अपनी आवाज उठाने के लिए, अपनी ईमानदारी को सिद्ध करने के लिए इससे ज्यादा बड़ा सबूत कोई आदमी नहीं दे सकता कि उन्होंने अपनी जान गंवा दी। ये बातें सुन के कि उन्होंने कितनी आवाज़ उठाई, और अब भी ये जानना पड़ रहा है कि उनकी FIR तक नहीं की जा रही है। आप मीडिया साथी हैं, आप इनकी पूरी सपोर्ट करें कि एटलीस्ट FIR हो इस बात पे, इस पे पूरी कार्यवाही बैठे और सबके सामने, और सबके सामने FIR से सेटिस्फाइड, और पहले तो उनको उनकी नौकरी से बर्खास्त करो और नॉर्मल जैसे आम आदमी के साथ जैसे कार्रवाई करते हैं वैसी करो, आम आदमी की तरह होनी चाहिए। उसको क्यों IPS की तरह ट्रीट कर रहे हो, जब उसने एक आदमी को आत्महत्या नहीं की, मेरे पापा ने खुद नहीं लेटे, धक्का मार के लिटाया उन्होंने, इतना मेंटल टॉर्चर किया था। जो बंदा आप आजू बाजू के गांव में पूछ लो, कहीं किसी रिश्तेदारी में पूछ लो, किसी से पूछ लो, सबको बोलते थे कि भाई मरने से क्या होता है, जी के दिखाओ, जीना मुश्किल है मरना आसान, वो मरने गया तो सोचो कितना मेंटल टॉर्चर किया है उन्होंने। मुझे नहीं लगता वो मेंटल टॉर्चर से गए होंगे, मुझे लगता है कि वो अपनी सच्चाई सिद्ध करने के लिए गए हैं। वो मैं भी यही कह रही हूँ, FIR होनी चाहिए, प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको उसी तरीके का दंड मिलना चाहिए जिस तरीके का वो डिजर्व करते हैं जी। एक इंसान की सच्चाई इससे ज़्यादा सिद्ध नहीं हो सकती, ईमानदारी इससे ज़्यादा सिद्ध नहीं हो सकती कि उसने अपनी जान गंवा दी इस तरीके से कि आज उसके परिवार को उसके लिए इतना लड़ना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। हम सबको इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और प्रॉपर कार्यवाही होनी चाहिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट के बिना जी। थैंक यू जी।